हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है इसके बारे में। तो पहला जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है अनावरण किया गया है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली होती क्या है, किस तरीके से इसको प्रोडक्शन की जाती है, इसके अलग अलग एप्लीकेशन, इसके कुछ कुछ एडवांटेजेस जो है या फिर जो चैलेंजेस है उसको डिस्कस करेंगे, और कुछ कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपके देखिए GS3 पेपर में जो साइंस एंड टेक है उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा, और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने जो भारत का पहला हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है नई दिल्ली में इसको फ्लैग ऑफ किया, इसको अनावरण किया। तो देखिए, जब भी आप कुछ बस कार या कुछ ट्रेन के बारे में सोचते हैं, उसको चलने के लिए एक जो है फ्यूल चाहिए, चाहे वो एनर्जी चाहिए, एनर्जी वो फ्यूल के रूप में मिलता है, पेट्रोल डीजल या फिर देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, CNG हो यहाँ पे। तो यहाँ जो है ग्रीन हाइड्रोजन में जो है इस बस में जो है ग्रीन हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल के हिसाब से उसको यूज़ किया जाएगा। मेनली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है, यहाँ पे सेल होंगे अलग अलग सिलेंडर जैसी, ये क्लीन है, रिलायबल है, क्वाइट है, यानी कि साउंड नहीं होगा, एफिशिएंट सोर्स है, और हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है, जिससे बस जो है आसानी से चल सकती है विदाउट एनी पॉल्यूशन। तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल जो है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इसको जो है प्रोड्यूस किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। और यहाँ पे देखिए जो बाय प्रोडक्ट, अगर आप बसेस में देखते हैं जो काला धुआं निकलता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं निकलेगा, यहाँ पे सिर्फ वाटर वेपर और हीट ही निकलेगी एज ए बाय प्रोडक्ट। तो ग्रीन एक सोर्स के हिसाब से आप मान सकते हैं इसको। तो देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोसेस कैसा है कि इसके लिए देखिए ग्रीन हाइड्रोजन क्यों क्या कहा गया है यहाँ पे, जो भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी ये रिन्यूएबल सोर्सेस से लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोल से लिया गया, उसको उससे बनाया गया इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से बनाया हुआ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगा, जो एक इलेक्ट्रोलाइजर में फीड किया जाता है। और इस इलेक्ट्रोलाइजर में जो पानी होता है उसको H2O यहाँ पे जो है दो अलग अलग आयन्स में कन्वर्ट करती है, और इसमें जो है हाइड्रोजन को जो है उसको कलेक्ट करके उसको एक स्टोरेज के रूप में यहाँ पे भेजा जाता है, और उससे अलग अलग फैक्ट्रीज हो गई, शिप्स हो गई, बसेस हो गई, उसमें यूज किया जा सकता है। तो यही जो है प्रोडक्शन प्रोसेस को बोला गया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस से उसको बनाया जाता है थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस। तो रिन्यूएबल सोर्सेस यहाँ पे विंड पावर हो सकता है, सोलर पावर हो सकते हैं यहाँ पे, तभी जाके ये ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। तो यहाँ पे वाटर जो है H2 जो है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसको स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन दो आयन में, और यहाँ पे हाइड्रोजन को जो है एनोड साइड में इसको जो है सप्लाई हो जाती है ऑटोमेटिकली, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन जो है निगेटिव, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल आयन बन जाती है ये जो है कैथोड में चली जाती है। तो यहाँ पे एनोड में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो कलेक्ट होती है उसको जो है पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को उसको कलेक्ट करके ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे कलेक्ट किया जा सकता है। तो कुछ कुछ एप्लीकेशंस देखें यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में जो है अलग अलग पावर व्हीकल्स, कार, ट्रक, बसेस, ट्रेन्स में इसको यूज़ किया जा सकता है, एनर्जी स्टोरेज के हिसाब से यूज़ किया जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी से यहाँ पे लेके तो ग्रिड सिस्टम से भी यहाँ पे हो सकती है, या फिर अलग अलग डिमांड जब जरूरत पड़ी तो एनर्जी को एज ए सप्लाई भी किया जा सकता है। अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसको अप्लाई किया जा सकता है, सपोज यहाँ पे रिफाइनिंग इंडस्ट्री हो गई, केमिकल हो गई, स्टील प्रोडक्शन में इसको यूज़ किया जा सकता है। पावर जनरेशन में बात की तो यहाँ पे अलग अलग उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है एज अ बैकअप पावर, या फिर रिमोट एरियाज में अक्सर जहाँ बिजली की कमी होती है उसको भी यहाँ यूज़ किया जा सकता है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में जो है ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जो स्पेसक्राफ्ट में भी, तो हाई एनर्जी डेंसिटी होने की वजह से ग्रीन हाइड्रोजन को भी यूज़ किया जा सकता है। इसके कुछ कुछ एडवांटेजेस अगर देखेंगे तो ये बेसिकली क्लीन हाइड्रोजन है, यानी कि इससे जो है बसेस में अगर ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ किया गया तो इससे वाटर वेपर और हीट निकलेगी, जो कुछ भी पोल्यूशन नहीं करेगी। तो जो ये क्लीन एनर्जी एक सोर्स है,
जो ग्रीन हाइड्रोजन है जनरली हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, तो यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए भी उसको यूज़ किया जा सकता है। वर्सेटाइलिटी, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन को अलग अलग सेक्टर्स में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में आपने देखा, इंडस्ट्री सेक्टर में भी वो एक वाइडली यूज़ एज ए फ्यूल सोर्स आप मान सकते हैं। जब भी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन होगी तो हम लोग को फॉसिल फ्यूल जो हम लोग इम्पोर्ट करते रहते हैं उसकी डिपेंडेंसी कम होगी। तो एक एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे इंपोर्ट में हम जितना खर्चा करते हैं उसको अलग अलग कामों में यूज़ किया जा सकता है। कुछ कुछ चैलेंजेस अगर देखेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोगों ने बात की, ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्ट यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे लग सकती है उसको स्टोरेज करने के लिए, उसको मेंटेनेंस के लिए। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इतनी वाइडली अवेलेबल अभी तक नहीं है, तो इसको भी जनरेट करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट ज़रूरत होगी यहाँ पे। तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में भी देखा जाए काफ़ी हद तक यहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिल सकता है, ट्रांसपोर्टेशन से हो गई या फिर उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसके लिए कॉस्ट ज़रूरत होगी यहाँ पे। एफिशिएंसी की अगर बात करेंगे, यहाँ पे फ्यूचर एडवांसमेंट जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तब इसकी इम्प्रूव एफिशिएंसी दिखाई देगी। अभी देखिए एक बस एक कंट्री में स्टार्ट हुई है, पूरे इंडिया में ऐसे लाखों बसेस आने के लिए कितनी ग्रीन एनर्जी ज़रूरत होगी, कितना ज़्यादा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे काफ़ी ये कॉस्ट प्रोड्यूस कर सकती है। और देखिए ग्रीन हाइड्रोजन को अलग अलग जो सोर्सेस से कंपटीशन भी मिलती रहती है, सपोज यहाँ पे कार्बन कैप्चर से हो गई, बैटरी से हो गई, तो इससे भी कंपटीशन मिलती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है एक्सपेंसिव है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में ग्रीन एनर्जी जो ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे। तो देखिए कुछ कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में अगर बात करेंगे तो नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब इसको मेंशन किया गया था तो 2030 तक जो है इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन में ग्लोबल हब बनाने की प्लानिंग की गई है यहाँ पे। तो टोटल देखिए यहाँ पे काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट होगी, तो एटलीस्ट यहाँ पे प्लानिंग की गई है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन तक जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन किया जा सके। इलेक्ट्रोलाइजर जो यहाँ पे जहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस करके दोनों को अलग अलग किया जाता है, उसमें कैपेसिटी जो है 60 to 100 GW तक स्टार्ट किया जा सकता है। 120 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन करने की बात हो रही है। और इसमें देखिए सेविंग्स, जो हम लोग फॉसिल फ्यूल को इम्पोर्ट करना कम कर देंगे तो 1 लाख करोड़ की सेविंग्स होगी। 50 मिलियन मेट्रिक टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एमिशन करने को रोका जा सकता है, इससे 6 लाख जॉब्स निकल सकती है और 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे होगी। तो ये जो है बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ग्रीन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। जब भी आपको ऐसे मिले तो इसको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, ये डेटाज भी जितना हो सके आप कोशिश कीजिएगा उसको आंसर में लिखने के लिए, उससे काफ़ी कुछ एनालिसिस बन सकते हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, जिसको नई दिल्ली में इनोग्रेट किया गया। तो काफ़ी हद तक इसको अलग अलग डायमेंशन में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको आपको उसके हिसाब से रिलेट करना होगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।